सिट डाउन। सुनता नहीं है बच्चा। गुड मॉर्निंग। लास्ट एस्प्रेसो चाय। अंगद की 26 जैन की अभी ऑनलाइन स्कूल होने वाली है चालू 10 बजे। फ्लैग होस्टिंग वगैरह होगा स्कूल में, तो अंगद ऑनलाइन लॉग इन करके बैठा है और हम लोग भी आज राजपथ के ड्रिल्स देख रहे हैं 26 जैन को जो होते हैं दिल्ली राजपथ पे। छुट्टी है अंगद को, बट मॉर्निंग को सिर्फ फ्लैग होस्टिंग उनको कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आप सबको 72nd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप हमारा भारत देश ऐसे ही स्ट्रांग होता रहे, हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहे, यही हम लोग आशा करते हैं। चाय के साथ। रिपब्लिक डे पहला कभी था माहिती आहे का? वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 ला ब्रिटिश इंडिया सोडून गेले। इट टुक 3 इयर्स टू राईट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय? हा देश कसा चालवायचा, इंडिया कशी चालणार, कुठल्या कुठल्या गोष्टी कशा कशा रन होणार, हे लॉज किंवा कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात। कॉन्स्टिट्यूशन राईट करणे को 3 साल लगे। ऑन 26 जान 1950, 26 जानेवारी 1950 ला ते कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाय झालं आपल्या इंडियाला, म्हणजे सगळ्यांना चला आता आपण ह्या कॉन्स्टिट्यूशनने आपण कंट्री रन करायची। डेमोक्रेसी ऍक्च्युअली चालू झाली 26 जान 1950 नंतर। सो दॅट इज कॉल्ड रिपब्लिक डे, लोकांचा दिवस। 15 ऑगस्ट इज इंडिपेंडन्स डे अँड 26 जान इज रिपब्लिक डे। कळलं व्हॉट इज रिपब्लिक डे? आपलं कॉन्स्टिट्यूशन त्या दिवशी चालू बनलं नाही, अप्लाय करणं चालू झालं। आज का ज्ञान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय झालं झालं। नॅशनल एन्थम स्कूल का ऑनलाइन नॅशनल एन्थम। ये जो राजपथ ड्रिल है ना, दॅट इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ 26 जान, जो राजपथ पे होता है हर रिपब्लिक डे पे। का कारण ऐसा है कि एक्चुअली मैं जब भी कॉलेज में था तभी आई वांट टू जॉइन आर्मी, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी एंड मैंने NDA IMA के एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं एंड SSB इंटरव्यू भी दिया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया आगे जाके एंड बाद में मैं मेरे बिजनेस में आ गया। सो ये जो डिफेंस वाली जो बात है वो मेरे बहुत क्लोज टू द हार्ट है। दो मैं कर नहीं पाया, मेरा एक फ्रेंड है रंजीत कुलकर्णी करके, हमारा जो ग्रुप था उसमें से वो सिलेक्ट हो गया NDA के लिए एंड नाउ ही इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द आर्मी। तो चलो हम लोग तो नहीं, बट हमारा एक दोस्त तो आज लेफ्टिनेंट कर्नल है और हम लोग उसको साल में एक बार उसके पोस्टिंग जहाँ पे भी होती है वहाँ पे हम लोग उसको मिलने के लिए जाते हैं। ये जो ड्रिल होती है ना, ये बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। मैं 1.5 साल NCC में भी था एंड वहाँ पे भी हम लोग परेड वगैरह करते थे एंड एट दैट टाइम हमारा ड्रीम ये था कि राजपथ पे हमें ड्रिल करने का मौका मिले, उसको RD परेड बोलते हैं। ये हर एक कैडेट का सपना होता था। ठीक है, हमारे नसीब में कुछ और लिखा था, वो हमारे साथ हो गया। सो दैट दिस परेड इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं अंगद को हमेशा दिखाता हूँ कि अंगद ये देख यूनिफॉर्म्स देख। बट ठीक है, अंगद को अभी क्रिकेटर बनना है तो ये उसके लाइफ में अभी मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, बट अगर अंगद आगे जाके डिफेंस ज्वाइन करता है ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मतलब अगर उस क्रिकेटर नहीं होता है एंड अगर कुछ दूसरा प्रोफेशन उसको अगर चूज़ करना पड़े तो आई वुड लाइक हिम टू चूज़ डिफेंस, बट इट इज कम्प्लिटली हिज चॉईस। काय चाललंय बोलटू? काय चाललंय तुमचं? हा, झोपिंग चाललंय। हे बघ बोलटू, ते केस बाहेर जाऊन काढू, त्याचे केस हे बघ किती पडतात। बोल को कलना, रात को मैंने नहला है, रात को अचानक उसको ले लिया, अंगद का नहा के हो गया ना तो बोल को भी ले लिया। चल जरा बाहर ये। वो रात भर वो ठंडा ठंडा ऐसा आके मेरे कंबल में आके सोया था,
तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसके बाल निकाल देता हूँ। चलो बाहर। इधर आंगे तू, क्या मेरा घर? हाँ। शिव कितनी केस लाग ले तो तुझे अंगा और दी वो सी चली गई। बोल बोल के बाल निकालने पड़ेंगे बाबा। नो बस बस सुन, देखो फटका देना रे मामा, मैं फटका देना। आई लव यू रे जी। नो मस्ती नहीं है भाई। देखो कितने बाल निकल रहे, ये बाल निकल रहे इससे। बोल टू के शट अप। नो ऐसा नहीं करे इधर। बोल बहुत मस्ती में आ रहा है कभी। असं उलटा करून कर त्याला। सिट डाउन। सुनता नहीं है बच्चा। आई निकालने तो पड़ेंगे नहीं तो घर भर हो जाएंगे। देखो पूरे उसको नहलाने के बाद वही टेंशन रहता है, घर में बाल 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 हो जाते हैं। उल्टा धोपला बोलते, उल्टा धोपला ए बोल केवड़े केस असते रे तुझे एका टाइमला। हो चल चल चल। तुमचं पहिले नॅशनल अँथम घेतलं का आमच्या नंतर घेतलं? आमचं आधी नॅशनल अँथम घेतलं, मग थोड्या मुलींनी काहीतरी शोज केले होते आणि व्हिडिओज पाठवले होते, ते दाखवले आम्हाला। हा आम्हाला पण दाखवलेले, एक डान्सचा होता आणि एक स्पीचचा होता, भरतनाट्यमचा होता डान्स आणि एक स्पीच बोलली होती, ते आम्हाला दोन्ही पण दाखवले। अग्नी बोलच्या डोळ्याला औषध टाका। चला बोल तू औषध टाकणार दीदीच्या डोळ्यामध्ये। और अग्नी का स्कूल पोस्टपोन हो गया 1 फेब्रुवारी तक। 1 फेब्रुवारी को होगा, कल से चालू होने वाला था। होप कि 1 फेब्रुवारी चा अजून 1 महिनाभर पोस्टपोन हो। एक्चुअली हाँ, अग्नि का यूनिफॉर्म लेके हो गया, अभी तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, नहीं स्कूल हुआ तो भी जाके बैठ। चल औषध टाक डोळ्यात। चल बोल तू दीदी औषध टाकते डोळ्यात तुझ्या। हाँ टाक पटकन। बस बस झालं। आज 26 जून संकेत सर ने छुट्टी ली है, तो अंगद एकदम रिलैक्स है, पढ़ाई विढ़ाई कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा बैठा था बट ऐसे देखो इसका पढ़ाई देखो, मॉर्निंग से सिर्फ इतना ही लिखा है, 1 2 3 4 5 5 लाइन। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. जा आंघोळीला, बोल तुला पण घेऊन जा आंघोळ करायला। आंघोळ करायची, थंडी वाजते मला रात्री आंघोळ केली की ओ असं काय ना। हो ना, रात को नहाया तो ठंडे लगता है पिल्लू को, हिन्ना खायला करायचं त्यांना। एक दाना एक फिश के लिए, ऐसा उसका प्रमाण है। कोई कोई फिश छोटे हैं उनके मुंह में नहीं बैठता, बट वो लेके कहीं तो बैठ जाते हैं, फिर आस्ते आस्ते आराम से खाते हो। कंदील अभी तक जल रहा है बट लाइटिंग डिस्को 82 भी बंद हो गया, अभी तो ऐसे थिंग कंप्लीट बंद हो गई। पिंटू शायद गाँव गया है या कहीं पर गया है पता नहीं, जब ये आएगा तभी उसको निकालने को बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने को डर लगता है बालकनी में, इधर इधर हाइट ज़्यादा है ना, इसलिए आज दोपहर के बाद एक्चुअली कैमरा हाथ में लिया ही नहीं, अभी जस्ट लिया है। बच्चे नीचे गए खेलने के लिए। आज 26 जनवरी है तो थोड़ा शांति है, रिलैक्स है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैंने वेब सीरीज़ देखी जिद की जीत, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है। इनिशियली थोड़ी स्लो लगी मुझे बट बाद में बहुत ही अच्छा स्पीड पकड़ लिया है वेब सीरीज़ ने। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है ये वेब सीरीज़। अगर आदमी में जिद हो, इच्छा हो, तो आदमी क्या कर सकता है, उसका एक्चुअल लाइव एग्जांपल है। मतलब ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ रियल स्टोरी, तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, हाईली रिकमेंडेड। बोल चला खाली जाइए सर। हो चला एक बाई।
थैंक यू थैंक यू बोल्ड को ऑलमोस्ट हम लोग एक महीने के बाद नीचे लेके जा रहे हैं। क्या होता है नीचे जाता है वो किधर तो गंदगी में बैठता है, फिर उसको टिक होता है, इसलिए उसको ना नीचे लेके जाना थोड़ा बंद किया है। वो सूसू शीशी बाथरूम में जाके करते हैं, बाथरूम में बालकनी में। बुलटूला खाली था इतना थोड़े था इतना बुलटूला खाली था इतना और ऊपर से पापा को दिखता नहीं है अभी। अंधा कानून अंधा कानून अंधा बोल्ट। आज एकेडमी को छुट्टी है तो सब बच्चे नीचे खेल रहे, तो अंगद को भी नीचे लेके आया हूँ मैं। सी बोल्ट सुसु कर रहा है। बोल क्या होता है ना, घर घर में उसका उतना टेरिटरी उसको पूरा बायार्ड है, मतलब कम दिखता है तो भी घर मैनेज हो जाता है। अभी नीचे लेके आते हैं ना उसको, तो थोड़ा उसको दिखने में प्रॉब्लम है, दूर का तो बिल्कुल भी नहीं देता है, थोड़ा इधर उधर जाने का चांस है तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है ज़रा नीचे। चला इकड़े बाय बाय आम्मी चलो वरती। हाँ बाय चला बोल। हाँ चल गोप्रो दम निकल रहा है, गोप्रो का दम निकल रहा है, लाइट नहीं है ना, लाइट कम है तो गोप्रो। ए देखो ए देखो हमारा सिक्योरिटी। थैंक यू थैंक यू। चला कम हियर बोल। सोसाइटी में थक जाता है बोल तू, बाहर लेके जाने का उसको स्कोप ही नहीं है, इधर ही उसका है हु हो जाता है। ओ ओ ओ ओ कुठे गेला होता तू, तू खाली गेला होता फिरायला। हाँ बॉय गुड बॉय बोल तू इज अ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। आज एकेडमी को छुट्टी है तो हमारा स्टार कंटेंट ओमे आज मिला नहीं हमको, कल होपफुली मिलेगा, तो आज का स्टार कंटेंट हमारा बोल्ट है। चलो चलो ये रखा है अभी तक वैसा ही है, सुबह से सिर्फ 5 लाइनें लिखी है। बाबा नीचे जाके आया है फिर भी सुसु करने के लिए जगह देख रहे हैं। चलो दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही रखते हैं क्योंकि आज 26 जनवरी है, आज थोड़ा रिलैक्स करने का मूड है, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट ओनली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो दोस्तों As always, adios, amigos.